हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जैसलमेर में पकड़ा गया पाकिस्तान का जासूस। जैसलमेर में एक बार फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करने वाले स्लीपर सेल को पकड़ा गया है। पकड़ा गया नवाब खान, 32 वर्ष, चनेसर खान की ठाणी का निवासी है। नवाब खान को जयपुर से आई भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में डिटेन किया है। नवाब को सुरक्षा एजेंसियां जयपुर लेकर गई हैं, जहां उसे कड़ी पूछताछ जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा एजेंसियों की नवाब खान की चांदन में दुकान है। चांदन में ही सेना की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज भी है। सेना के मूवमेंट की जानकारी वो पाकिस्तान में ISI के आकाओं को भेजता था। इस दौरान वो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर आया। सुरक्षा एजेंसियों की पिछले एक साल से नवाब पर नजर थी, उसकी गतिविधियों को ट्रेस किया जा रहा था। आखिरकार जासूसी का शक पुख्ता होने पर 24 नवंबर बुधवार को नवाब खान को जैसलमेर से डिटेन कर जयपुर ले जाया गया है, जहां सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवाब खान की रिश्तेदारी पाकिस्तान के रहीम यार खान इलाके के आसपास है। वो पाकिस्तान की यात्रा कई बार कर चुका है। इस दौरान उसकी मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के एजेंटों से हुई और उन्होंने उसे जासूसी के बदले पैसे का लालच दिया। सूत्रों ने बताया कि पैसों के लालच में नवाब ने सेना के मूवमेंट की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान भेजी। सैन्य जानकारियों के बदले नवाब के बैंक खाते में पाकिस्तान की तरफ से कई बार पैसे भी आने की जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि नवाब 3 साल के ISI के संपर्क में है और वो लगातार उसको फील्ड फायरिंग रेंज में होने वाली सेना की गतिविधियों की जानकारी व फोटो वीडियो आदि सोशल मीडिया के माध्यम से भेज रहा था। नवाब खान से जयपुर में सुरक्षा से एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ में नवाब से ISI के भारत में फैले नेटवर्क और स्लीपर सेल का खुलासा होने की संभावना है। जागरूक टीवी के जैसलमेर से अचल डांगरा की रिपोर्ट।